गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार, सहायक सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज अपन ब्रिटिश संविधान के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। अपना देश लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है और भारत के संविधान ने ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को एडॉप्ट किया है जो कि ब्रिटिश संविधान में है। तो अपन आज ये देखेंगे कि ब्रिटिश जो संविधान है या ब्रिटेन का जो संविधान है उसका विकास किस प्रकार हुआ, कि वो एक राजशाही से संसदीय शासन व्यवस्था में कन्वर्ट हुआ, उसके पीछे उसका जो इतिहास है वो क्या रहा है, उसका विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। फ्रांस, रूस, चीन की तरह ब्रिटेन में कोई हिंसात्मक क्रांति नहीं हुई थी। यहाँ पर पुरानी संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से परिवर्तन करके उनको नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया था। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया है। निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। एक विद्वान वे हैं ऑग व जिंक, उन्होंने कहा है इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित इतिहास का मार्ग भूतकाल में 1300 से 1400 वर्ष तक की लंबाई में फैला है। इसके विकास के पीछे बहुत बड़ा समय रहा है। ब्रिटेन के संविधान के विकास को हम 6 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। अलग अलग काल के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो है उसको कहा गया है एंग्लो सैक्सन काल। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन लोगों का शासन स्थापित हुआ, यहीं से ब्रिटिश संविधान की नींव पड़ी है। इस समय वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, राजा का चयन बुद्धिमानों की सभा द्वारा होता था। इस सभा में गांव के वयोवृद्ध लोग, चर्च के अधिकारी, सेना के अधिकारी शामिल होते थे और ये मिलकर राजा का चयन करते थे। दूसरा जो काल है वो है नॉर्मन काल। नॉर्मन काल 1066 में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने ब्रिटिश पर विजय प्राप्त करके नॉर्मन राज्य की स्थापना की। इसने एंग्लो सैक्सन काल की संस्थाओं को समाप्त कर दिया। इससे पहले वाला काल जिसमें अपन ने चर्चा की कि इसके अंदर हमें कुछ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण नज़र आते हैं, जहां पर कि सब लोग इकट्ठे होकर एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जबकि इस काल के अंदर इन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया, अपितु उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए, चर्च को राजकीय नियंत्रण में लाया गया। विलियम के बाद हेनरी द्वितीय शासक बना, उसके बाद रिचार्ड तथा जॉन शासक बने। इनकी नीतियां बड़ी निर्दयी थी, जिसके कारण इनके सहयोगी इनके विरोधी बन गए। 1215 में काफ़ी विरोध के कारण जॉन ने जनता की मांगों को स्वीकार किया, जिसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया या महान अधिकार पत्र भी इसको कहा जाता है, इस पर अपनी स्वीकृति दी। संसद का जो उदय है वो है 1295 में एडवर्ड प्रथम को युद्ध के लिए धन की आवश्यकता थी। उसने एक सभा बुलाई जिसमें करीब 572 सदस्य थे। बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिकों ने राजा की बात को एकत्र होकर सुना
परंतु बाद में प्रत्येक वर्ग उस पर विचार करने के लिए अलग अलग हो गया। इस समय तीन वर्ग बन गए, बैरन, कलर्जी और नाइट। चूंकि बैरन व कलर्जी के हित में हित समान थे, तो इनका एक संगठन बन गया जिसे बाद में लोड सभा बनी, संसद जो वहाँ उसका जो अंग था। नाइटों नगरजनों से आगे चलकर कॉमन सभा बनी। इस प्रकार यहाँ संयोग से ब्रिटिश की संसद का निर्माण हुआ। अगला जो काल है वह प्लांटेग्नेट व लैंकास्ट्रियन वंशों का काल। दूसरा, इसका विकास की जो बात है, इस वंश के शासक काल में संसद की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह राजाओं को उनके पद से हटाने लग गई थी। इस वंश के शासक काल में राजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों के समूह के लिए प्रिवी काउंसिल शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अगला जो इसके विकास का काल है उसको हम कह सकते हैं ट्यूडर काल। इस काल में संसद का महत्व घट गया। ट्यूडर राजाओं ने संसद बुलाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। इस काल में राजकीय शक्ति पॉप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। अगला जो काल है उसको हम कह सकते हैं स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट राजाओं के शासनकाल में संसद व राजा एक दूसरे के विरोध में रहे। अंत में संसद की विजय हुई। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की नींव इसी काल में रखी गई। 1889 में चार्ल्स प्रथम ने संसद निम्न बातें मनवाने में सफल हुई। जो बातें थी वो थी, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई भी नया कर नहीं लगा सकता था, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि एक जनता के हित में ये बात थी। इससे पहले अनावश्यक रूप से या ज़रूरत नहीं होने के बाद भी जनता के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रहे थे। इस नियम के द्वारा इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया गया। दूसरा था, राजा को वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक बुलाना जरूरी है, क्योंकि संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे देश के बारे में जो भी नियम बनते हैं या देश की जो भी प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर डिस्कस होता है। तो इससे आधार पर संसद की मीटिंग होना भी बहुत ज़रूरी था, जो कि पहले वाले समय के अंदर जो शासक थे उन्होंने संसद की बैठक बुलाना ही बंद कर दिया था। तीसरा था, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई भी सेना नहीं रख सकता है। एक इसमें जो बात थी महत्वपूर्ण वो थी, जनता संसद में जनता के प्रति निधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लास्ट जो इसका काल है जिसको हम कह सकते हैं हैनोवर काल, यहीं से संसदीय लोकतंत्र का विकास प्रारंभ हुआ जिसने 20वीं शताब्दी के पूर्व तक पूर्णता प्राप्त कर ली। इस काल के बिंदु इस प्रकार हम बता सकते हैं, प्रधानमंत्री, प्रारंभ में मंत्रिमंडल की एक अध्यक्षता, राजा नियुक्त किया जाता, राजा अंग्रेज नहीं जानते थे, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया था। राजा ने रॉबर्ट वालपोल को अपना मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया, वहीं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था, बाद में उसे ही प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। दूसरी बात थी राजनीतिक दलों का उदय। इसी काल में राजनीतिक दलों का उदय हुआ। तीसरा, कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण किया गया, सभी को उसके अंदर हिस्सेदारी देने का प्रयास किया गया। 1867 में कारीगरों व मजदूरों को भी मताधिकार दिया गया। इस आधार में हम कह सकते हैं हैनोवर जो काल है वो ब्रिटेन के विकास के अंदर एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1884 में खेती और मजदूरों को भी मताधिकार दिया गया। 1988 में वयस्क मताधिकार का प्रचलन हुआ। इस प्रकार विभिन्न अधिनियमों द्वारा प्रजातांत्रिकरण हुआ। इसके अलावा लाट सभा की शक्तियों को भी कम किया गया। ज्यों ज्यों कॉमन सभा का प्रजातांत्रिक होता गया, लाट सभा के अधिकारों में भी कमी आती गई, क्योंकि लाट सभा के अंदर जो लोग जुड़े हुए थे वो ज़्यादातर वंशानुगत लोग होते थे। लाट सभा वंशानुगत संस्था होने के कारण राष्ट्र का दर्पण नहीं हो सकती थी। 1832, 1910, 11, 1949 के अधिनियमों के द्वारा लाट सभा की शक्तियों को कम किया गया। तो इस प्रकार एक लंबे समय को देखते हैं हम, एक के बाद एक करके ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ। और क्योंकि अपन एक लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के अधीन रहे थे, तो अब हमारे देश ने भी ज़्यादातर उन्हीं बातों को अडॉप्ट किया जो हमारे हित में थी, जो उनकी संविधान की बातें थी उनको हमने स्वीकार किया और उन्हीं को ही हमने आगे लागू करने का प्रयास किया। थैंक यू।